हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप देख सकते हैं रिद्धि को अभी ये स्केच से बहुत दिन से इच्छा हुआ है कि वो स्केच से करेगी, तो वो अभी केस से कर रही है। एंड उसको तो कुछ करके तो रखना पड़ेगा, बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे करो फिर अभी तो अभी उसको जैसे तैसे करके भुला के रखना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर तो नहीं जा पा रहा है एंड जाना भी नहीं चाहिए इस हालत में। तो उसीलिए मैं अभी उसके साथ बैठी हूँ, कलर ये सब लेके उसके साथ टाइम पास कर रही हूँ। मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बट क्या करूँ, करना पड़ रहा है। तो वही उतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा एक लाइन इधर स्टैंडिंग लाइन और एक लाइन दूसरा स्टैंडिंग लाइन थोड़ा दूर में करो। डू इट बाबू अपनी कोर भी ना कहते करबो ना किंतु। तो चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ आज का। तो मतलब फर्स्ट जो लंच का तक सफ़र मैंने आज का ब्लॉग में अपलोड की हूँ, आगे का देखते हैं कैसे क्या है। कैसे हो? थोड़ा सा बेहतर। और कुछ बोलना चाहोगे? कोविड में क्या है, क्या तुम मान रहे हो, क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो? नहीं, कोई डिफरेंट कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, जस्ट few age groups need to be aware, like any elderly age group with some comorbidities like bronchial asthma or ঠিক আছে এন্ডটা কর। ভেরি গুড, চল খুব সুন্দর হয়েছে, করে দেখা নে। वेरी गुड, नहीं सर वेरी गुड। वीडियो पर देखी अम्मी। अच्छा नहीं, सुंदर है जी, चल खूब सुंदर है जी। एक रोटा कर, सुंदर है जी, खूब सुंदर है जी। খুব ভালো হয়েছে, ভেরি গুড, দাও এটা, ভেরি গুড পাবি। দেখো 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 ক্যা কর রি হ্যায়, পেজ কো দেখো, মুন্ডি বনা রি হ্যায়। এ দেখিয়ে অভি ডিনার টাইম হো গয়া হ্যায়, ডিনার কমপ্লিট হো গয়া হ্যায়। तो ये जो एंटीवायरल का है मेडिसिन, बोल रही थी ना कि चार मेडिसिन एक साथ लेना पड़ता है, ये खाने के बाद बहुत खराब लगता है, बट वही खाना है। दो दो पहले पानी दो, पानी दो। तो रिद्धि का इसी जिम्मेदारी है। पानी खाओ। अच्छा ए, पानी खाओ। अच्छा ठीक है, वही अभी हम दोनों सोएंगे और बस ये मेडिसिन लूंगी। तो यही मैं सोची कि आपके साथ दिखाऊंगी, इसका डोज ही है 4 करके है, दो बार लेना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो इसका तो चल रहा है, तबीयत किसी का खराब रहे जो भी रहे वो अच्छा रहने से बस उसका स्टार्ट। तो मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ आज, थोड़ा बहुत मैं मतलब मुझे थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, एक्चुअली सुबह टाइम में फ्रेश लग रहा है। फिर जैसे जैसे फिर मेडिसिन का वो स्टार्ट हो रहा है दिन भर, तब से और अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी बैठी हूँ, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रहा है, अभी बैठी हूँ इसको थोड़ा से पढ़ाने बैठी हूँ, देखते हैं ये कुछ ये सब भूल जा रही है अभी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी मिस भी नहीं आ रही है तो सब कुछ ये भूल जा रही है। तो देखिए इसका ये सब चल रहा है, करते करते देखते हैं। तो बस मैं ब्लॉग स्टार्ट की कि अपडेट देने के लिए आज, मतलब थोड़ा से अगर मान लीजिए कि 100% का
30% हम लोग अभी अच्छे हैं। शशांक का अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट मैं अभी आज 30% हूँ। बट वही थोड़े देर बैठने से उसके बाद लग रहा है कि सो जाऊँ ऐसे टाइप। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा लेती हूँ। तो चाय लेके बैठी हूँ, दिन में शायद मैं अभी 3 times चाय पी रही हूँ। अभी एक बार पी रही हूँ, शाम में पी रही हूँ, फिर रात में भी पी रही हूँ अदरक डाल के। यानी कितना सारा लेके बैठी है, बोल रही कि सब कर दो, मैं करूंगी और इसको देखो कैसे करके बैठी है। और टीचर को जाके बोल रही है कि मैं की हूँ। आए रे, आए आए आए। तो चलिए जो जो मैं करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं एक दूसरा टाइप का एक खिचड़ी सोच रही हूँ थी, कि बारिश का टाइम लग रहा था तो सोचती थी कि खिचड़ी बनाऊंगी, बट अभी बहुत ज्यादा धूप आ गया है। देखते हैं खाना बनाने का एक मन नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा मतलब पता नहीं चला कि क्या खाऊंगी और क्या बनाऊंगी। कुछ जो भी सोच रही हूँ कि ये बनाऊंगी, मन हो रहा कि छी ये तो खाने का मन ही नहीं हो रहा है। देखते हैं कुछ तो करना पड़ेगा। शशांक अपना सारा बुक्स लेके बैठा है, तो ये सब बुक्स वो अभी उसको दी हो करने के लिए। इसको भी अभी बुक डालना है। तोर बोई एखन किछु नेई, तोर बोई गुलो तो पढ़बी तुई एखन। अच्छा देख छिचो, बुक नहीं मिल रहा है, चलो देखते हैं। देखते हैं, रुको। तो रिद्धि अपना ये बैग लेके आई है। ये दोनों काम से ज्यादा मतलब काम बिखर रही है, ज्यादा काम को निपटाने से ज्यादा काम को फैला रही है। कोथाई अभी बैग गुलो पैक करे कोथाई अभी? कलम तो जाच्छी ना, हमें कोलकाता जाच्छी। हाँ तो आज मैं डिस्क्लोज कर ही देता हूँ कि हम लोग फाइनली कोलकाता ही शिफ्ट हो रही हूँ। तो बस अभी हम लोग वही कोलकाता के लिए खुश तो हूँ बहुत। अभी देखते एक भालो करे करबी, और 8 किंतु खराब हो जाते पारे, ओटार उपरे दिबी खराब हो जाबे। तो वही अभी तो कोलकाता है करके थोड़ा से मतलब रिलीफ हूँ। तबीयत खराब में भी हम लोग को थोड़ा से मतलब रिलैक्स मिल रहा है। तो चलिए ये सब काम देखते हैं जितना होगा करके उन लोगों को कर देंगे, कि 2 weeks में 10 boxes करना भी बहुत मुश्किल है। दादा ओगलो ओईভাবে দিছ না, যেগুলো দরকার লাগবে সেগুলো ফেলে দেনা, কি করছিস এগুলো? তো মুঝে নেই লাগতা কি এক বক্স মে লোগ কা বুকস হোগা। পেনগুলো কোথায় রাখো রে? তোরা কোন বক্সে রাখ? কোন বক্সে রাখ? কুছ বলোগে? बोलोगे कुछ? कैसा लग रहा है? लग रहा है कैसे? हाँ? कैसा लग रहा है? 4 के बाद तो कैसा जा रहा हूँ। खुश हो? अच्छा खुश है। तो 4 के बाद शशांक कोलकाता जा रहा है करके खुश है, बट स्टार्टिंग में बहुत किया नहीं नहीं क्या है कोलकाता ये वो, सारा स्टेट घूमने के बाद फाइनली कोलकाता के लिए सोचा है, यही बहुत बड़ा बात है। हम लोग तो कोलकाता ही जाने वाले थे, शशांक जाए या ना जाए। तो वही बुक्स एक बार सॉर्टेड हो जाएगा, अभी भी उसका कुछ बुक्स है तुम्हारा? हाँ, मेरा PMH में और भी बहुत सारे बुक्स हैं रखा हुआ। हाँ, तो उसका बहुत सारा बुक्स है, तो वो बोल रहा था कि मैं बाद में आके कभी ले जाऊंगा। मैं बोली अभी तो पैकर्स एंड मूवर्स हो ही रहा है, तो लेके चले जाओ, अदर देन तुम्हें बाद में अकेले ले जाना पड़ेगा। तुम्हें कैसा लग रहा है रिद्धि? खुश हो? खुश हो? खुश हो? हाँ सब खुश है। अच्छा ये देखिए, एक शशांक को मिला था कैलेंडर, मिला था, मैं कभी आपको दिखाई नहीं हूँ। तो देखिए कैलेंडर रिद्धि का, मतलब जितना भी फोटो कुछ मेडिसिन कंपनी ने बना के दिया था, तो ये मैं रख दी थी ऐसे टाइप का। तो ये गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो किसी एक टाइम में दिया था, ये शशांक का MBBS के टाइम में।
ये मम्मी पापा के साथ शशांक, ये इसका कुछ कॉन्फ्रेंस के टाइम है, ये सब MBBS दोस्तों के टाइम का, और ये एक रिद्धि का, ये हमारा शादी का। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये 2022 का ही है तो मैं इसीलिए इसको रख दी थी। तो इसको अच्छे से रख दो। तो लंच में आज रिद्धि के लिए हो रहा है पोटेटो, रिद्धि को तो पोटेटो सिवा कुछ नहीं है। हम लोग का पॉपी सीड के साथ क्या होगा, पॉपी सीड के साथ प्याज, अच्छा ऑनियन डाल के जो पॉपी सीड का एक करी होता है वो मैं रेसिपी आज की आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो एक होगा और फिश हो गया, नहीं फिश होगा, ये हम लोग के लिए आलू का भरता हुआ है, इसके साथ रात में पराठा होगा, आलू का पराठा होगा। तो मम्मी यार इसको फिश चाहिए अभी, इसमें क्या है एक बार दिखाओ सबको। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। खोलो मत, ऐसे नहीं होगा। तो ये शशांक को उसका जो MBBS का कॉलेज है NRS मेडिकल कॉलेज का उसको मिला था, ये NRS मेडिकल कॉलेज ऐसे दिखता है। बाबू एम कलर गुलो कर ले किन्तु होबे ना, कलर गुलो हमें भरे नहीं, तो हमें चले जाबो। तो अच्छा चलो तो ये भी इसका एक था, यहाँ पे कभी कोई आके देखे गया था। तो दो बॉक्स अभी हो चुका है, ऑलमोस्ट दो बॉक्स हो गया, एक में बुक्स और एक में रिद्धि का कुछ सामान, भगवान का कुछ सामान हुआ है, और एक बॉक्स अब आज कर देंगे जितना हो जाएगा, क्योंकि 2 वीक्स में बोले हैं कि सारा करके देने के लिए। तो आज तो 15 हो गया है, तो 30 के अंदर उन लोग बोले हैं कि आप कंप्लीट पूरा कर दीजिए, तो उसके बाद उन लोग मतलब और एक वीक बाद आके उन लोग देख के जाएंगे और उसका रैप अप करके उन लोग चले जाएंगे। तो वही ये है आज का पूरा अपडेट, पूरा घर ऐसे फैला हुआ है, उसमें से ये कुछ इस घर का हालत देखिए ऐसे टाइप का है। तो बस अभी है शशांक है करके थोड़ा कर देना, अकेला करना बहुत मुश्किल है इसको लेके, एंड ऑफिस का भी काम रहेगा। तो आज मैं छुट्टी ली हूँ, आज एंड कल मैं छुट्टी ली हूँ, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद और बैठा नहीं जाता है, इतना नींद आता है, तो इसीलिए मैं और रिक्स नहीं ली हूँ, क्योंकि काम में कुछ प्रॉब्लम होगा फिर इशू होगा, तो वही ऑलरेडी बात करके मैं लीव ले चुकी हूँ। तो चलिए ये सब काम पर जल्दी जल्दी निपटाती हूँ। तो ये देखिए आज ऐसे ऐसा हुआ है, फिश हुआ है, दाल हुआ है, बिछाना ये हुआ है, एंड आलू का चोखा हुआ है, राइस हुआ है। अभी शशांक बोल रहा है कि उसको बिल्कुल भी राइस खाने का मन नहीं हो रहा है, बोल रही है कि वो सूप या कुछ खाएगा, अभी सूप के लिए घर में कुछ नहीं है, देखते हैं। अगर रोटी खाने का मन हो रहा तो बोलूँगी कि फिर रोटी अगर खाएगा तो देखते हैं। तो चलिए वीडियो आज यहाँ पे एंड करती हूँ, देखते हैं अभी क्या खाएगा। अभी टाइम हो चुका है 1:30 अराउंड हो गया है, रिद्धि को मम्मी खिला रही है, मम्मी आज थोड़ा बेटर है, बट हम दोनों का मतलब गला ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है गला, एंड मेडिसिन अभी खा चुकी हूँ, तो मेडिसिन खाने के बाद और ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा ड्राउजीनेस लग रहा है, उल्टी लग रहा है, तो उसमें होता है वो इरिटेशन, मतलब शशांक बोला है। तो बस और कुछ नहीं कर रही हूँ आज, ये सब है क्योंकि शशांक बोल रहा है कि अभी जितना दिन है घर में थोड़ा थोड़ा करके रेस्ट लेके अगर कर सकेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से उसका हॉस्पिटल में इतना दिन से उसका छुट्टी हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोड रहेगा, तो उसके बाद करना बहुत मुश्किल है। तो 2 वीक्स में और ऑफिस से आने के बाद और किसी को मन नहीं होगा सुबह से रात तक ये सब करने में, तो वही जितना होगा कर देंगे, और बाकी जो होगा वो तो 1-2 दिन पहले ही, जो डेली यूज़ का सामान हो तो 1-2 दिन पहले ही हम लोग पैकिंग करेंगे। तो चलिए बस यही था कि हम लोग फाइनली कोलकाता ही शिफ्ट हो रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि तबीयत जितना भी ख़राब लगे सुन के पहले हुआ, एक्चुअली पूरा फाइनल हुआ कल, इसलिए मैं पहले से बोल नहीं रही, चल रहा था कोलकाता के बारे में, बट कल फाइनली हम लोग का हुआ है। तो बस अभी कोलकाता का में शिफ्ट होना भी बहुत मतलब सब कुछ नया ही है, वहाँ से भी हम लोग बहुत साल मतलब क्या 1.5-2 साल कोलकाता में भी नहीं है, घर का हालत तो बहुत ही ख़राब है, तो वो घर में जाके ही हम लोग नहीं रुक सकते, तो वो रिनोवेशन भी करना है वो सब।
तो देखते हैं जो जो प्लान होगा आपके साथ तो शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ वीडियो देखिए। तो जिन लोगों को प्लानिंग करेंगे ऐसे टाइप का, तो उन लोगों को भी इसमें बहुत सारा हेल्प होगा। तो कल एक नया इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मिलते हैं। बाय बाय।